नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, वॉइस एमपी की टीम पहुंच गई है तस्कर बाबू सिंधी के घर पर, जहां पर पुलिस द्वारा बाबू सिंधी का जन्मदिन का जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर दबिश दी है। यहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेक्स नीमच टे प्रभारी बाबू सिंधी के घर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं किस तरह से कार्रवाई चल रही है। बाबू सिंधी का जो ये घर है, यहाँ पर जो उसके जन्मदिन पर 12 बोर बंदूक से केक काटा गया था, उसी जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसी वीडियो के बाद में पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। हमारे साथ में एडिशनल एसपी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह कार्रवाई चल रही है। सर बताएं यहाँ पर किस तरह कार्रवाई चल रही है। देखिए, पिछले दिनों जो एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, ये जो आरोपी बाबू सिंधी के जन्मदिन पर बंदूक से केक काटते दिखाया बताया गया है, उसी के तस्दीक और उसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आर्म्स एक्ट के तहत, उसके जो आर्म्स जो उसमें दिखाया गया है उसी की तलाशी के लिए यहाँ पर पुलिस टीम द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया है और इसमें अभी तलाशी की जा रही है। सर, यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की गई और किस तरह की चेक किया गया और कुछ क्या तलाशी में क्या पाया गया है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन अभी तलाशी जारी है और अभी और भी जगह जहाँ जहाँ पुलिस को सूचना मिलती है कि संभावनाएं हैं, वहाँ पर इसकी तलाशी ली जाएगी। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, 12 बॉक्स बंदूक से केक काटा था, उसको लेकर भी दिख गया, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें साथ में दिख रहे, उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, उसकी भी जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ये थे एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेक, जिसने साफ कहा है सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के आधार पर जो भी इसमें दोषी होगा उन पर सब पे कार्रवाई की जाएगी और लगातार पुलिस द्वारा जो सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हुआ उसी को लेकर जहाँ जहाँ पर बाबू सिंधी का ठिकाने हैं उन पर दबिश दी गई है। ये जो घर है बाबू सिंधी का है, इसके नंबर 36 का जो मकान है, बड़ी मात्रा में पुलिस बल इस मकान में पहुँच चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पुलिस हमला इस मकान में दबिश दी है और उनका कहना है मकान पर हमने तलाशी ली है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। वॉइस एमपी के लिए दीपक रिपोर्ट।